स्थिति इतनी जटिल है कि आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन गया है। बधाई लेना चाहेंगे आप लोग? आज हमारा देश गौमांस सबसे बड़ा सप्लायर हो गया है, गौमांस का। इतनी तरक्की कर गया हमारा भारत। सबको अपने अपने की चिंता है, गायों की चिंता किसे है? और जब हम लोग मर कर जाएंगे ना, तो भगवान ये सवाल करेंगे कि तुम्हें भारत देश में भेजा था, तुमने गायों के लिए क्या किया? क्या उत्तर दोगे? क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? यदि हमारे देश में गौ हत्या होती है तो उस हत्या के जिम्मेदार हम और आप भी हैं। जितना बड़ा पापी वो हत्यारा है जो गाय की गर्दन काटता है, उतने ही हत्यारे हम हैं। क्योंकि हम लोग शांत बैठे हैं चुपचाप, हम घर में एक भी गाय नहीं रखते, कोई प्रयास नहीं करते। हर बार चुनाव हो जाता है, सिलेंडर फ्री में देने का, कहीं बिल माफ करने का, कहीं लैपटॉप बांटने का चुनाव, जीत भी जाते हैं, पर किसी भी चुनाव में गौ माता की कोई चर्चा नहीं होती। होती हो तो बता। सबको अपनी चिंता है साहब, अपनी औलादों का पेट भरना है। अपना गाय तो कट रही है तो कटने दो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बिजली बिल माफ हो जाए, फ्री में राशन पानी मिल जाए, फ्री में बसों की टिकटें मिल जाए, बस गौ हत्या हो रही होती रहे। आज तक बताइए चुनाव में कभी गौ हत्या मुद्दा रहा? आप लोगों ने कभी कहा नेताओं से कि आप गौ हत्या बंद करने का प्रयास कीजिए? ना तो आपने कहा, ना तो नेताओं ने किया। गाय के लिए किसी पार्टी के नेता ने नहीं सोचा, कोई भी पार्टी हो हमारे देश की, गायों के लिए किसी पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया। बूचड़खाने कौन सा राज्य है जहां ना चल रहे हो? अब यूपी में पहले की अपेक्षा कम हो गया, ये सही है, लेकिन किसी राज्य में तो ज्यादा है। तो आप ये देखो कि आपके राज्य में कितना बूचड़खाना है और कितनी गौ हत्या हो रही है, और यदि आपके राज्य में हो रही है तो आप भी उसके जिम्मेदार हैं। आज गोपाष्टमी के दिन ही, आज से लगभग 50 साल पहले घटना घटी थी हमारे देश में, पता है आप लोगों को? हमारे देश में एक संत हुए हैं, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। जब इंदिरा गांधी उस समय चुनाव इलेक्शन में खड़ी हुई प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो इंदिरा गांधी स्वामी श्री करपात्री जी के पास गई। उस समय करपात्री जी को दुनिया जानती थी, अच्छे संत हैं, भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। पूरे भारत का सारा संत समाज स्वामी श्री करपात्री जी को जानता भी है और उनको प्रणाम भी करता है। स्वामी श्री करपात्री जी ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप गौ हत्या यदि बंद करो तो मैं अपना पूरा समर्थन आपको दे सकता हूं। इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज जी दीजिए, मैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही पहला काम करूंगी कि मैं गौ हत्या बंद करूंगी, पहला साइन मेरा रहेगा। यह वचन दिया था स्वामी श्री करपात्री जी को इंदिरा गांधी जी। चुनाव जीत गई, प्रधानमंत्री बन गई, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, कोई खबर ना, कोई सुध ना ली। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने कुछ पहुंचाया किसी को कि भाई कुछ याद है या गांधी इंदिरा गांधी जी भूल गई? उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया।
तब सभी संतों को लेकर, हजारों संतों को लेकर स्वामी श्री करपात्री जी महाराज दिल्ली की तरफ संतों को और गाय को, आज का ही वो दिन था गोपाष्टमी का, आज गोपाष्टमी के दिन दिल्ली की तरफ हजारों संत और गाय, आगे आगे गाय, पीछे पीछे संत, और करपात्री जी सांसद भवन का घेराव करने के लिए पहुंचे कि आपने जो वादा किया था पूरा करो, गौ हत्या बंद कराओ, सारे लाइसेंस रद्द करो, जो भूचड़ खानों को तुमने लाइसेंस दिए हैं सारे बंद करो। इतिहास के पन्ने उठाकर देखना साहब, इंदिरा गांधी ने सभी संतों पर गोलियां चलवा दी थी, हजारों की मात्रा में संत मरे थे, खून बहा था आज के दिन। गाय पर गोली चलवाई थी, गाय मरी, संत मरे। ये इतिहास का पन्ना पलटकर देखना, कोई असत्य नहीं बोल रहा हूं, इतनी बड़ी बात। खून से रंगे हैं संतों के, खून से रंगे हैं ये सत्ताओं के हाथ। स्वामी श्री करपात्री जी के भी गोली एक आंखों को छूते हुए निकल गई एक गोली, उन्हें उसके बाद फिर एक आंख से कम दिखने लगा, जेल में डाला। आजादी के बाद पहला स्वामी श्री करपात्री जी संत थे जिन्हें गाय का पक्ष लेने के कारण, गाय का समर्थन करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया। स्वामी श्री करपात्री जी जेल में रहे, इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाल दिया। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने फिर श्राप दिया था, श्राप की चर्चा नहीं करेंगे, उन्होंने श्राप दिया था, संतों का खून बहाना, गाय। अब चलो वो सरकार तो गई, वो तो इंदिरा गांधी भी अब नहीं रही, अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। गौ हत्या कोई बंद कर सकता है ना तो मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी यदि नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। मोदी जी यदि धारा 370 हटा सकते हैं तो भूचड़ खाने भी हटा सकते हैं। अब मोदी जी चाह लें तो गौ हत्या आज बंद हो जाए, आज रात के 8 बजे आकर कह दें कि सारे लाइसेंस रद्द जो गौ हत्यारों के हैं, जो भूचड़ खानों के हैं। कौन माई का लाल है जो मोदी जी की बात को ना माने, बताओ। आज चाहे मोदी जी तो गौ हत्या बंद कर सकते हैं। हम और आप कितना भी चिल्ला लें, चीख लें, मर जाएं, हम जैसे कितने मर गए, करपात्री जी जैसे कितने चले गए, कहां सुनवाई हुई। राजा चाहेगा तो काम होगा, और वर्तमान में देश के राजा हैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं निवेदन करूं मोदी जी से कि यदि आपने देश में गौ हत्या बंद कर दी, आज गोपाष्टमी के दिन निर्णय ले लीजिए, यदि गौ हत्या बंद हो गई तो युगों युगों तक मोदी जी का नाम अमर हो जाएगा।